भूखे पेट वाले नहीं करेंगे। गांव में मजदूरी करने वाले वो अपनी रोटी की बात करते हैं बेचारे, किसान भर दिन अपनी जिंदगी बदलने की बात करता है। यदि कोई कर सकता है तो जिसको आपने दुनिया बदलने की एक व्यक्ति बनाने का आपने संकल्प लिया है वही कर सकता है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप अपनी ऊर्जावान ताकत के साथ, एक मजबूत स्रोत के साथ आपने दस्तक दी है इस दिल्ली के धरती पर। मैं आग्रह करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जोगी जी को फुर्सत नहीं है लाल चीजों से, गाय गंगा से, उसको आदमी से मतलब नहीं है, वो गाय गंगा में सब चीजों में फंसे रहे, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व के बगैर धरती पर किसी का अस्तित्व नहीं है। मनुष्य का अस्तित्व बचेगा तभी कोई गाय गंगा और तभी कोई भगवान का अस्तित्व बचेगा। यदि इस धरती पर कोई भगवान है और गाय है गंगा है, वो बैठा ये इंसान है, इसके अलावा इस धरती पर कोई नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नरेंद्र मोदी जी, मनुष्य के अस्तित्व के बगैर इस धरती पर किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। भगवान भी तभी अस्तित्व में रहेगा जब मनुष्य का अस्तित्व बचेगा। इसीलिए मैं अंतिम में आग्रह करता हूं कि आपके सवाल को लोकसभा के भीतर कई बार मैं उठा चुका हूं, आपके सवाल को मरते जीते लोकसभा के भीतर पूरी ताकत से रखूंगा, और जब तक इस शिक्षक का निर्माण नहीं करूंगा तब तक चैन से पप्पू यादव नहीं बचेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप सुनना, मैं यही कहने के लिए आपके बीच आया। मैं अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ, आप इस ऊर्जावान ताकत को सजो के रखो, अपने शिक्षक के निर्माण की चैलेंज लो। मैं शिक्षक से आग्रह करूंगा अपने पढ़ाई के अलावे दूसरे पर ध्यान मत देना। आपको लोग गंदा कहते हैं, समाज आपको गलत कहने लगे, ये पॉलिटिशियन आपके बारे में लोगों के मन में ये गलत बैठा दिया है कि पढ़ाने के लायक शिक्षक नहीं है। ये दोषी आप नहीं हो, ये दोषी ये पॉलिटिशियन है जो आपका जेवर और आपका पैसा भिजवा करके आपको बहाल तो कराता है लेकिन आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी की ओर कभी ध्यान नहीं देता है। ये दोषी पॉलिटिशियन है, अपने वोट के लिए इस्तेमाल करता है आपको। यही मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, गुनाहगार हम होते हैं और गाली आप सुनते हो, मिड डे मील हम चलाते हैं गाली आप सुनते हो, पोशाक हम नहीं देते हैं गाली आप सुनते हो, और कहता हेडमास्टर खा गया। अरे पापी, तुम लोगों ने जिंदगी खा गई तब तो कोई बात नहीं, हेडमास्टर क्या खा गया? अरे तुमने इंसानियत खा गई, तुमने हैवानियत बदल दी, तुमने देश खा गया। तुमसे बड़ा चोर इस दुनिया में, पॉलिटिशियन से बड़ा चोर धरती पर साला कोई होता नहीं है। दुनिया तो बना सारा एमएलए एमपी ये मंत्री संतरी हर दिन कुकर्म करता है, हर दिन जात पात करता है, हर दिन हिंदू मियां करता है, हर दिन गाय गंगा करता है, और आम आदमी को कहता है तुम चोर हो। काला चोर नहतन, इस धरती पर इससे बड़ा चोर कोई नहीं है, उसको नमस्कार कभी मत करना। हिंदुस्तान जो चमत्कारों में नमस्कार करने लगा है, ये बहुत गुनाह किया है। ये ताकतवर लोगों को सलाम कभी मत करना। ये मोटका चैन देख, जैसे मोटका चैन देखना समझना ना ये घर ठुका या लुटेरा है, ये सारा अच्छा आदमी नहीं, ये किसी न किसी का लूटा है, इसलिए इसकी इज्जत मत करना। मैं इसीलिए यह सवाल जिस दिन सदन में उठेगा, वर्धमान की घटना पर कल मैंने सबसे बड़ा लाठी खाया, हिंदुस्तान में 130 करोड़ बच्चों की हिफाजत तब तक नहीं करूंगा। ये जो रेयान इंटरनेशनल जैसा माफिया एजुकेशन है, इस पर सरकारी स्कूल को जब तक इससे ज्यादा सुंदर नहीं बनाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। सरकारी स्कूल को जानवर वाला स्कूल नहीं होने देंगे, ताकि ये मन में हो कि मास्टर भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। पढ़ाओ, एमएलए एमपी मंत्री का बेटा को कंपलसरी, कलेक्टर का बेटा को कंपलसरी करो सरकारी स्कूल में, करो कंपलसरी, करो कंपलसरी, देखो सरकारी स्कूल सही होता है कि नहीं। मैं मंत्री और कलेक्टर का बेटा पढ़ेगा रियान इंडस्ट्री स्कूल में, और गरीब का बच्चा पढ़ेगा मिड डे मील पोशाक वाले स्कूल में। चोर नहतन वोट लेते हो गरीब से और दलाली करते हो अमीर का। इतना बड़ा दलाल, ये लोग दलाल नहीं है, ये पॉलिटिशियन बोगला भी नहीं है, छगला भी नहीं, अठला नहला है साला ये। इतना बड़ा गंदा आदमी कोई नहीं हो सकता, इसलिए भयंकर बात मत करे। अपने बदलेगा नहीं, दूसरों को बदलने की बात करता है, पहले खुद बदले। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ प्रद्युम्न, जिस रियान इंटरनेशनल को चुनौती देता हूँ उससे जैसे माफियाओं को, कि जब तक सरकारी कोऑपरेटिव सिस्टम, सरकारी अधिपत
एक प्राइवेट स्कूल को 10-20% से ज्यादा कमाने की इजाजत नहीं होना चाहिए। आज ये 200 कमाता है, पढ़ेगा मेरा बेटा? तय करोगे तुम कि कौन 3 दिन कौन सा हमको पोशाक पहनना है, और तुम यहाँ खरीदो, हम जो किताब बाजार में खरीदेंगे वो कहता है तुम प्राइवेट में खरीदो। तुमको डेवलपमेंट के नाम पर डेली ढूंढते हो, और एक दिन गरीब आदमी आम आदमी पैसा नहीं दे पाता है तो बच्चों का एग्जाम बंद कर देते हो, तुम्हारी इतनी मनमानी। इसीलिए लड़ाई बहुत बड़ी है अध्यक्ष जी, आप सिर्फ इसके लिए बनाने की तैयारी तो कर रहे हैं, याद रखिएगा आपके आप जैसे नौजवानों के कंधों पर इस देश के निर्माण का भविष्य टिक गया है। मैं भीख मांगता हूं आपसे, सिर्फ शिक्षा मित्र तक सीमित नहीं रहिए, आप लड़िए कि सरकारी स्कूल को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्कूल बनाए, आप लड़िए। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा अध्यक्ष जी, मैंने कहा है 1 लाख जब तक प्रधानमंत्री से ज्यादा तनख्वाह शिक्षक का होना चाहिए, जब तक इस पॉलिटिशियन से ज्यादा तनख्वाह शिक्षक का नहीं होगा, वो शिक्षक अपना प्राइम टाइम, वो शिक्षक अपना सबसे अच्छा वक्त किसी बच्चों के लिए नहीं दे पाएगा जब तक वो भूखा रहेगा। इसीलिए यदि किसी को प्राइम टाइम लेना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो आप पहले उसको पूर्ण कर दो। जिस दिन शिक्षक पूर्ण हो जाएगा उस दिन भारत पूर्ण हो जाएगा, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, मंचा सिंह सभी लोगों का। भैया मैंने तो कहा और आपको नहीं पता, मैं वीडियो टैग कर दूंगा, 90 से मैं 6ठे बार सांसद हूँ, सौभाग्य से मेरे जैसे आदमी को कोई चुनता उनता कम चुन लिया कहे का, क्योंकि सबको पता है कि मैं पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा विरोधी और सिस्टम का विरोधी, और मैं इस दलाल सिस्टम को मिटाने की तैयारी बचपन से कर रहा हूँ। एक बार नहीं कई बार ये सवाल पप्पू यादव जी आपके भाई के नाते 10 बार उठा चुका हूँ, मैं टैग कर दूंगा। अभी एक क्वेश्चन मैंने किया है, यही 1 लाख रुपया वाला, कि शिक्षक को क्या मिलना चाहिए और शिक्षक का क्या होना चाहिए, अभी वो मैं उसको आपको स्पीच भेज दूंगा, आप पढ़ लेना, और जो सवाल आप उठा रहे हो सदन खुलने दो, जिस दिन खुलेगा उस दिन ये मेरा आवाज आप सुन लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। अभी प्रद्युम्न जी के लिए हम लोगों ने धरना पर हम बैठे हैं इस देश के बड़े निर्माण पर, और उत्तर प्रदेश और बिहार के बाढ़ के समस्या को लेके धरना पर हमारी जन अधिकार पार्टी बैठी है, हम वहां भी जा रहे हैं, और आपको नैतिक व्यक्तिगत पारिवारिक और बिहार के 11 करोड़ लोगों की ओर से मौसी और मौसा, हम दोनों एक माँ है एक मौसी है, हम यदि माँ बिहार है मेरी तो मौसी उत्तर प्रदेश है, और माँ उत्तर प्रदेश है तो मौसी बिहार है, हम दोनों एक हैं, और इसी एक के सवालों को लेकर पूरे देश की आवाज बुलंद करें। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सांसद जी, और हम लोगों को ये सूच भी नहीं था आदरणीय इंजीनियर हमारे इंजीनियर अजय यादव जी जो भाजपा के स्पोक पर्सन है, आप बिहार के यानी भाजपा के प्रवक्ता है, प्रांतीय प्रवक्ता, आप सांसद जी को हमारे बीच में लाए, और ये मिश्रित जोड़ी निश्चित रूप से हमारे लिए सफल रही है, इसके लिए हम आपको जब जब सरकार आ ही गया तो हम लोग अब तय कर ले, हो गया सब कुछ, जब